मुरादाबाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का स्वागत किया। वहीं जिले की मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा विकलांगों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। साथ ही जिला सहकारी बैंक की तरफ से ग्रामीणों को ATM कार्ड दिए गए। प्रदर्शनी में बेसिक शिक्षा और अन्य विभागों ने तरह तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। आज उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जनपद मुरादाबाद में भी किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राज्य सरकार के निर्देश थे कि प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाए और आगे फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि जो विभिन्न जनपदों में जिला कृषि उद्योग विकास प्रदर्शनी या इस तरह के जो आयोजन होते रहे हैं उनको क्लब करके उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ही उन्हें मनाया जाए। आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि मेयर साहब भी और माननीय विधायक कांट भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम लोगों ने बहुत सारे लाभार्थियों को, विभिन्न विभाग के जो लाभार्थी थे उनको हम लोगों ने लाभान्वित किया है। ODOP के अंतर्गत हम लोगों ने टूल किट वितरित किए हैं। इसी तरह से जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से सहायता दी गई है। इसी तरह से सहकारी बैंकों के द्वारा लगभग 20 से 25 किसानों को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से आज क्रेडिट कार्ड का भी वितरण हुआ है। और आज हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश दिवस के ही दिन आज राजकीय बालिका दिवस भी है और जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो हमारी अन्य विभागों की योजनाएँ हैं उनका भी यहाँ पे इस प्रदर्शनी और मेले के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि इस दिवस पर लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त। ये हमारा आज बेसिक का जो स्टॉल है इसमें हमने मिशन शक्ति संबंधित मेरा मॉडल है जिसमें हमने जो हमारे बेसिक में मीना मंच के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उसको दिखाया है। इसमें मैंने गांधी जी को दिखाया है, जो गांधी जी अहिंसा के वो थे, पुजारी कहे जाते हैं, लेकिन आज के वर्तमान युग में गांधी जी जो है एक बच्ची को, जो मीना है हमारी, उसको डंडा या लाठी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये समय स्वयं अपनी रक्षा करने का है। और उसमें उसके अंतर्गत हमारे यहाँ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है बच्चियों को। दूसरे में मैंने रावण रूपी सामाजिक बुराइयों को दिखाया है। तो हमारी जो मीना है, मीना एंजल है, पावर एंजल, वो उन 10 सामाजिक बुराइयों को दूर कर रही है, तीर के माध्यम से उसे मार रही है, ख़त्म कर रही है। ये संदेश मैंने उसमें दिया है। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग का स्टॉल लगा है जिसमें कि पूरी हमने प्रदर्शनी लगाई है, जो जो हमारे विभाग में कार्य चल रहे हैं उनके बारे में, और बच्चों को की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों को और समाज को जागरूक करने के लिए जितने कार्यक्रम हमारे विभाग में चल रहे हैं उनको यहाँ हमने प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है। इसमें हमने कई सारे मॉडल बनाए हैं, जैसे लैंगिक समानता, असमानता जो चल रही है उसके लिए, और गुड टच बैड टच पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस कार्यक्रम के लिए, और सारे जितने भी हमारे TLM क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं उनके लिए, वो सब हमने यहाँ पर प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है। ने यहाँ 3 दिन के लिए अलग अलग 5-5 टीचर्स की यहाँ अपॉइंट किया है जिससे कि जो बेसिक शिक्षा में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो मिशन प्रेरणा हो जो हमारे शिक्षण को अच्छा करने के लिए चल रहा है, मिशन कायाकल्प हो जिससे हम भौतिक सुविधाएं विद्यालयों में और बेहतर कर सकते हैं, शारदा कार्यक्रम हमारा चल रहा है जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो होते हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारण से, या प्रवासी बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ शारदा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें उन बच्चों को विद्यालय लाकर हर टीचर को जिम्मेदारी दी गई है कि एक एक बच्चे को गोद लिया जाए और उनकी शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक कहीं वो बीच में छोड़े ना, और कक्षा 9 में जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेते हम उनको पूरा फीडबैक उनका लेते हैं कि वो कहीं भी उनकी शिक्षा छूटनी नहीं चाहिए।